इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ऑन बेस्ड ऑन लॉगरिथम। सो जेई एडवांस पे चार क्वेश्चंस आए थे, उन चारों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस ट्राई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज याद हों। रेफरेंस के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लॉग के ऊपर देख सकते हैं, वहां पे मैंने 10 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं जिससे ये सारे चारों के चारों क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद आप डिस्कशन में पार्ट लीजिए, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होता है और कहां पे आपने मिस्टेक की। सो आई होप कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। एंड द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8, तो इसका आंसर 8 होगा। ये आया था जेई एडवांस 2018 में, इसका आंसर है 8। सो लेट अस सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, हम प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि इफ यू हैव लॉग बी एट द बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/log(a)(b), ठीक है। इन दोनों को हमने ट्रांसवर्स कर दिया। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे और यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे या रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये 2 बेस है और इसका अंदर क्या है, log(9)(2). सो ये आपका ए है और ये बी है, सो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करके इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज log(9)(2)2 टू द पावर, इसका पावर क्या हो जाएगा, इट वुड बी टू द पावर log(2)(9). ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, √7 अब ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा log(4)(7). हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी लॉग की, जो हमने बताई थी, दैट इज द चेंजिंग ऑफ द पावर। a^(log(bc)) √(b)^(log(ca). तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये देखिए, इस चीज को, ये जो नीचे है ये क्या है आपका a, और उसका पावर ये log है। सो इस जो पावर a है और b क्या है यहाँ पे 2, तो b को नीचे भेजेंगे, इस चीज को ऊपर भेजेंगे। सिमिलरली 4 को नीचे भेजेंगे, √7 को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 to the power log of log 9 at the base 2 का square at the base log 9 to the log 9 at the base 2 into 4 को हमने नीचे भेजा, 4 to the power log 7 √7 at the base 7। ओके, अब डायरेक्टली देखें, यहाँ पे इस 2 को हम बाहर लेंगे, ये अंदर 1 हो जाएगा। इस ये क्या है 1/2, तो इस 1/2 को यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो गया, 2 to the power 2 into 4 to the power 1/2, क्योंकि हमें एक और प्रॉपर्टी पता है लॉग की, कि log(a)(a) = 1, log(a)(a) = 1। वही चीज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1/2 लेंगे तो log(7)(7) हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये इसकी वैल्यू कैसी हुई, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको a माने तो ये भी a है ना, ये a और ये है, तो ऊपर क्या है a square और नीचे क्या है a, so a square at the base a, तो ये क्या हो जाएगा 2 log a a, that will be 2, so this will be giving you 4 into 2 which is 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन वॉज इजी वन, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी थी। सो इसका आंसर क्या होने वाला है, दिस इज 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ये आया था 2013 में जेई एडवांस। +4 -1 था एक्चुअली, ये दिस वॉज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके मल्टीपल आंसर सही थे, तो इसमें आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, ए बी सी डी में मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। आई होप यू हैव ट्राइड, और इसका करेक्ट आंसर इज a, b and c। सो 3 सही ऑप्शन है, a, b और c। लेट अस ट्राई दिस। यहाँ पे हमें दिया है 3 to the power x = 4 to the power x - 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को हम बेस 4 पे रेस कर सकते हैं, या तो दोनों साइड हम बेस 3 पर रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली हम बेस 3 या 4 दोनों से रेस कर सकते हैं,
लेकिन हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से तो एक चीज फायदा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power x is equal to 4 to the power x by 4। इसको हम इधर भेज देते हैं, दिस इज 3 to the power x by 4 to the power x is equal to 1 by 4, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 3 by 4 to the power x is equal to 1 by 4। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं, इन दोनों को रेज कर देते हैं log एट द बेस 3 by 4। तो अगर हम इधर रेज करेंगे सो दिस विल बी x into 1 और इधर क्या हो जाएगा log 3 by 4 to the power एट द बेस 3 by 4 एंड दिस विल बी 1 by 4। ठीक है, सो यहाँ पे हमने दोनों साइड रेज कर दिया किससे, 3 by 4 से। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू -2 times log of 1 by 4 is what 2 to the power -2। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 एट द बेस 3 by 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर हम देखें सो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस कुछ कुछ दिए गए हैं, तो हम इनको बेस चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि आप देखिए 3 by 4 तो बेस दिया नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे बेस चेंज का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम बेस 3 रखेंगे क्योंकि पहले ऑप्शन में हम बेस 3 देख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम बेस 3 रखना चाहें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बेस चेंज फॉर्मूला से हो जाएगी -2, हम बेस रेज कर रहे हैं 3 का, ऊपर हो जाएगा log 3 एट द बेस 2 क्योंकि ये है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा log 3 by 4 एट द बेस 3। फाइन, अब हम क्या करते हैं कि इस सेम चीज को ये जो a by b के फॉर्म में, इसको सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, दिस इज -2 times log of 2 at the base 3, दिस इज log of 3 at 3 minus log of 4 at 3। फाइनली दिस कैन बी रिटन डाउन एज, ये क्या हो जाएगा आपका -2 times log of 2 at the base 3, दिस इज 1 minus 2 log of 2 at the base 3। और आप यहां से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली देखेंगे कि ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन इसको चेंज कर देगा, तो ऑप्शन ए यहां से हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम ऑप्शन बी लाना है तो एक्चुअली ऑप्शन ए को ही देखते हैं, अगर ऑप्शन ए में हम डिवाइड कर दें इससे, सो वी आर डिवाइडिंग द एंटायर थिंग बाय लॉग 2 एट द बेस 3, सो यहां से लॉग 2 एट द बेस 3 कटेगा, यहां से कटेगा, और यहां पे क्या होगा 1 by, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या होगा बताइए, 2, हमने एक्चुअली क्या किया माइनस यहाँ पे हमने नीचे ले लिया था, इस ऑप्शन को एक बार हम लिख लेते हैं log ये, और ये हो जाएगा 2 minus 1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको हम log 3 एट द बेस 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 minus 1 upon log 2 at the base 3, और इसमें कैसे दे 2 upon 2 minus log 3 at the base 2, ये चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है कि 2 से डिवाइड किया है, अगर हम इस चीज को, पूरे चीज को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon 1 minus log of 3 at the base 2 1 by 2। और हमने बताया था कि 1 by 2 जब पर भी हो तो ये किसके पावर में होता है, ये 2 के पावर में होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसको हम 3 के पावर रेस करते, अगर यहाँ पे 1 by 2 है तो इसको हम 2 के पावर पे रेस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली आप इस सी ऑप्शन के कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में बताई थी, और इस प्रॉपर्टी का आप डायरेक्टली यूज करके ऑप्शन सी भी इजिली पा सकते हैं। ठीक है, सो इससे आंसर ए बी सी सही हो जाएगा। लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जेई 2012 में, और द क्वेश्चन इज 6 plus log of this expression at the base 3 by 2। ओके, आई होप अब क्वेश्चन अच्छे से विजिबल होगा। सो यहाँ पे बेस 3 by 2 है और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है,
ये एक्सप्रेशन हम बहुत बार देख चुके हैं, हमारे क्लास 10th के CBSE में भी काफी बार ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता था बुक में. सो दिस इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फॉर्म करनी है यहाँ से, और उसके रूट्स यहाँ पे लिखने हैं. सो इजिली आप इस चीज को लिख सकते हैं. इसको एक्चुअली देखिए, पैटर्न ध्यान से देखिएगा. ये चीज अगर हम इसको y माने, इस चीज को अगर हम y माने कंप्लीट को, तो यहां से फिर से एक y जनरेट हो रहा है अंदर. ठीक है, क्यों y? क्योंकि हम ये छोड़ दे रहे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक ज्यादा है. तो अगर उसमें से एक हम टर्म हटा भी दें तो कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं. सो अगर ये पूरा वाई है, सो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये भी वाई है. मतलब वाई इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई. नहीं समझ आया? ये वाई है, इसके अंदर भी वाई है, और ये वाई कहां, दूसरा वाई यहां से स्टार्ट हो रहा है 4 माइनस, तो दिस 4 माइनस वाई. अब स्क्वायर कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, यस और नो? तो यहां से आएगा वाई स्क्वायर प्लस अ मिनट, तो यहां से आपका डायरेक्टली आ जाएगा. मल्टीप्लाई भी करना होगा कि एक्चुअली ये जो वाई है ये 1/3 टाइम्स भी है, तो सो दिस इज 1/3 रूट 2 टाइम्स, राइट? सो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट? इट विल बी 1/9 इनटू 2. ओके, क्योंकि ये भी तो हम जब y सब्स्टिट्यूट करें तो ये y हुआ, तो y इज इक्वल टू 1/3 रूट 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई. सो इसको आप लिख सकते हैं 18, ये इधर गया 18, प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 4 है हमारे पास 18 फोर 72. सो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा 9y, और यहां से आप लेंगे माइनस 4. सो दिस विल बी गिविंग यू 9y माइनस 4, एक फैक्टर आएगा, और जो दूसरा फैक्टर आएगा दैट वुड बी यहां से आपका आएगा, यहां से आपने 9 माइनस किया तो दिस विल बी 2y, एंड यहां से आपका आएगा 2y प्लस 1. सो दिस इज 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 4/9, और दूसरी y की वैल्यू आ गई -1/2, जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं. सो यहां पे क्या हो गया, दिस इज 6 प्लस लॉग ऑफ 4/9 एट द बेस 3/2. 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 6 प्लस लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर -2. ठीक है, तो यहां से आ गया 6 माइनस 2 विच इज 4. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा. सो यहां पे हमने ये लिखा, इसको कैसे लिखा, ये डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं 3/2 की पावर -2, -2 बाहर आया, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. सो 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. लेट अस ट्राई द लास्ट क्वेश्चन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और लेट अस ट्राई दैट. सो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि x नॉट y नॉट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. आपको x नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी सिंपल एक आंसर ही होगा, और आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. इस क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट ले सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है. सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा. इसका आंसर इज 1/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं. तो ये पहला इक्वेशन हमें दिया है, यहाँ पे देखिए 2x टू द पावर ln 2. एक्चुअली हमें x नॉट की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें कैसे भी y ये है, इन y को कहीं से भी हटाना है. सो अगर हम ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखें, पहले और दूसरे इक्वेशन को, सो यहाँ से हम यहाँ पे कुछ y हटाने की कोशिश करेंगे. अगर हमें यहाँ पे y हटाने की कोशिश करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ ऐसे बेस से रेज करेंगे ताकि ये दोनों y एक अकेला पड़ जाए. ठीक है, y अकेला छूट जाए. सो अगर हम यहाँ पे ट्राई करें कि देखिए यहाँ पे ln के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे दोनों को हम ln के बेस में ही रेज करते हैं. सो अगर पहले को ln के बेस पे रेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln 2, क्योंकि ये हो जाएगा ln 2x टू द पावर ln 2, तो ln 2 बाहर आया, दिस विल बी ln ऑफ 2x, विच विल बी इक्वल टू ln ऑफ 3 ln ऑफ 3y. ठीक है, ये बाहर आया और यहाँ पे ln हो गया. इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है अंदर, तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, दिस इज ln 2
ln of 2 plus ln of x is equal to ln 3, ln of 3 plus ln of y. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है और y हमें अकेला कुछ ln of y कुछ अकेला मिल गया. यहाँ आप देख सकते हैं ln y है, इसीलिए कुछ ऐसा बनाया कि ln y डायरेक्टली यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया जाए. सेकेंड इक्वेशन है 3 टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ln y. इसको अगर हम चाहें तो रेज कर सकते हैं, लेट अस इसको भी हम ln के फॉर्म में रेज करते हैं. दिस विल बी ln x ln 3 इज इक्वल टू ln y ln 2. दिस विल बी ln 2 टू द पावर दिस, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो गया ln y से मल्टीप्लाई. यहाँ से ln y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2. तो ln y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए. दिस वुड बी इक्वल टू ln x ln 3 बाई ln 2. इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल बी गिविंग यू ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln x ln 2 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस विल बी ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 का होल स्क्वायर ln x बाई ln 2. अब हम यहाँ पे x के टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं सो और इसको इधर भेज देंगे तो इसको इधर कर लेते हैं. सो दिस इज ln x, दिस विल बी ln 2 माइनस दिस इज ln 3 होल स्क्वायर ln दिस विल ln x इज टेकन कॉमन. सो यहाँ से हट जाएगा, इसको हमने इधर भेजा है और ln x इन दोनों में से कॉमन ले लिया है. सो ln x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा ln 2, यहाँ से बचेगा माइनस क्योंकि इधर गया तो माइनस हुआ ln 3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बच जाएगा ln 2. ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, इट वुड बी ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर. अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सो दिस विल बी ln x, दिस विल बी ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन ln 2 एंड दिस इज वॉट, दिस विल बी ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे देखिए ये और ये टर्म, ये दोनों कैंसिल होगा और क्या देगा, माइनस 1. ठीक है, जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है. सो ये और यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हुआ, तो आपका दे देगा ln x is equal to minus ln 2 और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा ln x is equal to ln of 1/2. दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to 1/2. इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. सो दिस इज 1/2. हमने चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जेई एडवांस के. आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ आया होगा. क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी नहीं थे. लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था और अगर समझ लाइक बीच में आप जाके कहीं भी फ्रस्ट्रेट हो सकते थे इस पॉइंट पे जाके कि बहुत सारे ln आ गए हैं कैसे सॉल्व होगा. सो एक थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, फ्रस्ट्रेटिंग था. मे बी यहाँ पे आप जाके रुक जाते, कहीं रुक जाते और इस क्वेश्चन को छोड़ देते. बाकी और दो तीन क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे. आई होप आपको सारे स्टेप समझ आएंगे. कोई भी स्टेप समझ नहीं आए डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू कम बैक फॉर योर लाइक आंसर टू दैट कमेंट. इफ यू हैव एनी डाउट अगेन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल मी विच नेक्स्ट टॉपिक आई हैव टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.